स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के समय जैसे ही ओंकार और गायत्री का जब प्रारंभ होता है, वैसे ही हम पूरी तरह से भगवान के साथ एक आत्मा हो जाए। शनि शनि उपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक ब्रह्म के सिवा एक ओंकार जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद, उसके सिवा कोई दूसरा चित्त में चिंतन में ना आए। चाहे हम कितने ही श्रेष्ठ कार्यों का निष्पादन कर रहे हो जीवन में, कृषि कार्य है, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का कार्य है, चाहे कितने ही निष्काम निस्वार्थ सेवाएं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन भगवान की उपासना के समय एक ब्रह्म ओंकार परमेश्वर परमात्मा बस उसी में पूरी तरह से समाहित हो जाए। ब्रह्मे विदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खरो इदं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वं, ओम इति ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। ओम ओम वासुदेवः सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रभो तो हि। प्रभु आपकी शरणागत है तो ध्यान के कुछ प्रोटोकॉल्स है, नियम है, मर्यादाएं हैं। एक ब्रह्म के सिवा और दूसरा कुछ भी ध्यान में ना है। एक ब्रह्म में अखंड भक्ति, अखंड निष्ठा, अखंड प्रीति। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम् एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मयैव निवशिष्यसि ऊर्ध्वं नश्यंसय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन्मनाभव मद्भक्तो मदियाजी मां नमस्कुरु।
मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हम जैसे भी हैं, चेतना के जिस भी धरातल पर खड़े हुए हैं, वहीं से बस एक ही नियम है, भगवान को अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया, अब एक ब्रह्म के सिवा और किसी दूसरे का आश्रय आलंबन नहीं। और यह आलंबन केवल ध्यान के समय ही नहीं, हर समय फिर ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के जिए, योगस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ऐसे जीना है कि भगवान की शरणागति में रह करके, बहुत बड़ा शब्द है ये भगवत शरणागति, बहुत बड़ा सत्य सिद्धांत है ये, साधन है ये भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना साधना का, भगवत शरणागति, भगवान की शरणागति में रहना और फिर आत्मा में परमात्मा जो प्रेरणा देता है बस वही करना, यही है 24 घंटे का अखंड ध्यान, अखंड भक्ति, अखंड साधना, यही है जीवन मुक्ति की युक्ति। जिनका चित्त एकाग्र है, जन्मों जन्मों की जिनकी साधना चल रही है, वो एक क्षण मात्र में समाधिस्थ हो जाते हैं, संकल्प समाधि, भाव समाधि। लेकिन जिनके तन में अभी कोई रोग है, विकार है, मन में भी चंचलता है, इंद्रियों में अभी बाहर का आकर्षण शेष है, अपने आप को एक क्षण में नियंत्रित नहीं कर पाते, तो प्राणायाम करें, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, और करते करते अपने आप साधन सिद्ध हो जाएगा और मन ही मन प्रार्थना चलती रहे, तुम मेरी राखो लाज हरि, प्रभु आपकी शरणागत हो, अब तो उभारो प्रभु, अब तो तारो प्रभु, न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, तेरे साथ एकीभूत अंगीभूत होता हुआ भी तुझसे दूर रहा प्रभु, तू मेरे रोम रोम में था, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन में था, तू मेरे पिंड में था, है और रहेगा, लेकिन तेरी उपस्थिति को प्रभु अनुभव न कर सका, अब तो प्रभु होठों पर तेरा, दिल में तेरी याद, मन में तेरा ही मनन, बुद्धि में तेरा ही निश्चय, आत्मा में है मेरे परमात्मा, तू ही तो, तेरे ही सिवा और है क्या, तुझसे ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, तेरी शरणागति मेरा, और हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो तू हर पल प्रेरणा देता है, बस वही मैं करूँ। करते करते प्राणायाम भगवान की शरणागति में, भगवान के अनंत ज्ञान से, अनंत प्रकाश से, अनंत ज्योति से, अनंत प्रेम से, अनंत सुख शांति आनंद प्रसन्नता से, अनंत दिव्यता से, अनंत दिव्य सामर्थ्य से, अनंत दिव्य ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुम मेरी राखो लाज
जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, गुण मोसे बिसरत नाही। अब गुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे धन मोह लिए हूं, सुध बुध सब बिसरी। तुम मेरे राखो लाज, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी। सूरपति तन को बेगी उबारो, सूरपति तन को बेगी उबारो, अब मोरी नाव भरी। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो वेग उठते रहते हैं और उन वेगों में हम एकीभूत होते रहते हैं, वृत्ति सारूप्रमित रहते हैं।
हम आत्म वृत्ति में, ब्रह्म वृत्ति में, गुरु वृत्ति में, ऋषि वृत्ति में, देव वृत्ति में, दिव्य वृत्ति में, प्रवृत्ति में जिए, यही तो साधना है। और ये वेग इतना प्रभर होता है, जब तक गुरु और भगवान का अनुग्रह नहीं होता है तब तक हम उससे उभर नहीं पाते। इसलिए प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मैं अशुभ का, विकारों का, दोषों का, अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, दुर्बलताओं का, दुर्गुणों का, किसी भी प्रकार के अशुभ का प्रभु मैं स्वागत न करूं, ऐसे मुझ में मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृति दो, ऐसी प्रकृति दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी मेरा स्वभाव बना दो, ऐसे मुझ में वीरता पैदा कर दो, ऐसा मुझ में शौर्य पैदा कर दो, जिससे कि मैं हट सकूं इन वेगों से। प्रभु आपकी शरण करता, आप ही उभार तारो, लयबद्ध होकर के प्राणायाम का तप करते रहो, ओंकार का जप करते रहो, भगवान को पूरी तरह से अपने आप को सौंप दे, प्रभु आपकी शरागत अब तो उभार हो प्रभु। और ऐसे करते करते, ऐसे चलते चलते, ऐसे साधन और साधना करते करते एक दिन हम उभर जाते हैं सब विकारों से और जीते जी मुक्त हो जाते हैं और प्रभु की, भगवान की अनंत दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। कितना महान आकर्षण है, कितना महान ऐश्वर्य है, कितनी महान उपलब्धियां हैं भगवान की भक्ति में। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों अविवेकी हो करके और इस अनंत ज्ञान, अनंत सुख, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड एनलाइटमेंट, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड जॉय, अनलिमिटेड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ अनंत है भगवान के। इस अनंत के मार्ग को छोड़कर के न जाने तुच्छ क्षणिक आकर्षण में व्यक्ति कैसे फंस जाता है, ये भी एक वेग, और बस गुरु और भगवान इसे पार लगा सकते हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण न धरो। Oh,
नदिया एक नदिया एक नार कहा मीलो नीर भरो शरीर हमारा तन हमारा मन हमारी इंद्रियां चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाते हैं तो फिर तो भगवान तो हमें सहज प्राप्ति अनुलोम विलोम भी ऐसे ही एकाग्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निरंतरता पूर्वक करते हुए सद्भावना सद प्रेरणा दो जीवन को मेरे दिव्यता से सुचिता से भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो प्रभु आप अनंत ज्ञान से
अनंत प्रेम से, अनंत सुख से, अनंत शांति से, अनंत दिव्यता से, अनंत ऐश्वर्य से मैं आप शरणागत हूँ। मुझ पर भी कृपा करो। अब तो हे हरि अपने शरण में, प्रभु आपकी शरणागत रहे और आपकी आज्ञा में ही चलते रहे। अनुलोम विलोम करते करते एकात्म हो जाते हैं प्रभु के साथ, और एकात्मता खंडित ना हमारी, टूटे नहीं, घटे नहीं, हटे नहीं, मिटे नहीं। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। हरो देश अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरो देश
हर एक श्वास के साथ। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गायत्री का जप प्राणायाम करते करते भगवान के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में। भगवान की ही महिमा को अनुभव करते हैं, हर काम को भगवान के नाते करते हैं। भगवत अर्पण करते हुए जैसे जैसे हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे भगवान हमें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं। भगवान के अनंत ज्ञान से, प्रकाश से प्रकाशित, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य से, अनंत प्रसन्नता से, अनंत आनंद से अभिभूत होकर के भगवान के दिव्य कर्मों के साथ तादात्म्य होकर के उस दिव्यता में अपनी आहूतियां देते हुए प्रभु जैसे अनंत सृजन कर रहे हैं, ऐसे हम भी रचना धर्मी होकर के दिव्य कर्म करते हुए, दिव्य पुरुषार्थ परमार्थ करते हुए भगवान में पूरी तरह से एकात्म होकर के, एकभूत होकर के, तन्मय तद्रूप होकर के ओंकार या गायत्री का जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हुए, जो जो ध्यान के मार्ग में अवरोध है उनको हटाते हुए, आकर्षण किस बात का? जगत के आकर्षण यद्यपि बड़े सफल है, लेकिन उस ब्रह्म के आकर्षण के सामने तो सब फीक है, सब उसी से तो है। माना के रूप में बड़ा आकर्षण है, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसी से तो है, ये सारा धन ये ऐश्वर्य उसी से तो है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी से। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करता रे, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, अपने भीतर जगा दो उस प्रभाव ज्योति, उसके सिवा और यह है।
आकर्षणों में मन इधर उधर भटकता है, प्रलोभनों में मन भटकता है, वेग उठते हैं संसार के क्षणिक सुखों को भोगने के लिए। जब अनंत सुख के द्वार, जब अनंत ज्ञान के, अनंत के, असीमता के द्वार हमारे सामने खुले हुए, तो क्षुद्र कामनाएं क्यों करें। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पागल पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में कंकर बटोरने की कामना करूं मैं, प्रभु जब तुम मुझे मिल गए तब और क्या जाना। तुम अमीरों के भी अमीर हो, तुम फकीरों के भी फकीर हो, गुरुओं के भी गुरु हो, माता पिता के भी माता पिता हो, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, उद्धार करो प्रभु, आपकी शरणागत हूँ, अपने आश्रय में ले लो। ऐसे जब सब स्वरूपों में एक ही ब्रह्म स्वरूप को, सब संबंधों में एक ही ब्रह्म के संबंध को, सब स्मृतियों में ब्रह्म वृत्ति को, ब्रह्म की ही स्मृति को, सब नाम रूपों में प्रभु आप, और इससे परे भी आप हो, आप अपर ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो, परात पर ब्रह्म हो, विश्वमय हो, विश्वातीत हो, सगुण साकार निर्गुण निराकार हो, मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु, उद्धार करो, स्वीकार करो। जब ऐसे अनन्य भाव से हम भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं, साधन करते हैं, साधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रभु सब तो आपकी शरण में, आपकी शरणागति में रहे, आपकी ही अनुशासन में चले। ऐसे ओमकार और गायत्री का ध्यान करते हुए धियो यो न प्रचोदया, प्रभु आपके वेद मार्ग पर, श्रुति मार्ग पर, अष्टांग योग का मार्ग कहें, योग मार्ग कहें, वेद मार्ग कहें, ऋषियों का मार्ग कहें, धर्म अध्यात्म का मार्ग कहें, देवत्व का मार्ग कहें, बस उसी पर हम चले, प्रभु आपकी शरणागत रहे। ओम भूर्भुवस्व, तुझे ही पृथ्वीलोक देवलोक अंतरिक्ष लोक में अनुभव कर, तो ये सब सुखों का दाता, सब दुखों का दूर करने वाला, उनका विनाशक तू ही, तो ही प्राणाधार, अभू प्राणाधार, वह दुख विनाशक सब सुख, तत्सवितुर्वरेण्यम, प्रभु आप सबके सृष्टा हो, सबके कर्ता धर्ता हो, सबके नियंता हो आप, हमने वर्ण किया प्रभु, आप सब कुछ देने वाले हो, सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, तेरी दिव्यता को, सब प्रकार के दिव्य गुण कर्म स्वभावों को, तेरे सब प्रकार के अनंतता को प्रभु हम धारण करें, धियो यो न प्रचोदयात, और तेरे ही मार्ग पर चले। वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णं तव सर्वपरस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यापन्तं विद्यते। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मैकं रूपं बहुधा करोति तमात्मस्थं पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं। अपनी शरण में, तेरी ही शरण में, हे नाथ हे नारायण, तुझे कभी भी न भूलो, तेरे अंग संग जिए, तेरे नाते ही सब काम करे, तेरी पूजा मान करके, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे प्रियाचरण के लिए ही सब कुछ सब करे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणात्मभ्यर्च्य।
सिद्धिम विन्दति मानव। ऐसे प्राणायाम का तप ओंकार का जप करते करते जितने जितने हम भगवान के साथ एकात्म होते जाते हैं उतने उतने दिव्यताओं से युक्त होते चले जाते हैं, जीवन मुक्त होते चले जाते हैं। ऐसे ओंकार और गायत्री का जितना लंबा ध्यान करेंगे, आधा आधा एक एक घंटा, और जिनकी आयु हो चुकी अब संसार के उत्तरदायित्व आपने निर्वहन कर लिए हैं, अब पारमार्थिक उत्तरदायित्व का भी हम निर्वहन करें, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक उत्तरदायित्व, भौतिक उत्तरदायित्व बहुत निभाए, अब पूरी तरह से भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रीति में अनन्य भाव से, एकात्म भाव से आधा आधा एक एक घंटा कपाल भाते अनुलोम विलोम करते हुए पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों साथ साथ करने होंगे। कुछ केवल पुरुषार्थ करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, कुछ खाली प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ और प्रार्थना में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, अभ्युदय और निश्रेयस में, अपरापरा विद्या में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, फिर ऐसे ये एकांतिक ध्यान ऐसे एक एक घंटे प्रतिदिन किया करें, और जैसे जैसे ये ध्यान का कालखंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीवन का अपने आप रूपांतरण होता चला जाएगा। फिर प्राणायाम भी, आसन भी, व्यायाम भी, सब अध्ययन भी, सब काम भी भगवान के नाते ही करें। अब जैसे क्रियात्मक योगाभ्यास, एक तो हो गया शांत होकर के, अंतर्मुखी होकर के, जब हम आंखें भी बंद कर लेते हैं और पूर्ण एकाग्र चित्त होकर के अंतर्मुखी हो जाते हैं तो ध्यान अपने आप ही लग जाता है। एक है सब कुछ करते हुए भगवान में अवस्थित रहना, इसको कहते हैं भगवान के नाते जीना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। देह में रहते हुए ही विदेह की प्राप्ति, सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि। तो सामान्य गति, मध्यम गति या जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, प्राण शक्ति थोड़ी कमजोर है, इम्यूनिटी वीक है, वो धीरे धीरे करें। और जो बलवान है, यंग, तेजी से करें। एक अनुष्ठान की तरह लयबद्ध होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के करें। मिनट दो मिनट पांच मिनट ऐसे लगातार, पांच मिनट करते हैं तो शरीर में इतनी ऊर्जा मिलती है, रोम रोम ऊर्जा से, शक्ति से, तेज से भर जाता है।
ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से कर, अव्यवस्थित ना हो। करते करते इतने एकाग्र चित्त रहे, इतने प्रशांत चित्त रहे कि चेहरे पर कोई उद्विग्नता ना आए, कोई अशांति ना आए, चेहरा ना बिगड़े। योगाभ्यास में चाहे कितनी तीव्रता से प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें, एकाग्रता खंडित ना हो। एक साथ जीवन में भस्त्रिका के बाद कपाल भाति लय के साथ करना है। ये भी निरंतरता के साथ चलता रहे, अखंड जप, अखंड तप, अखंड साधना, प्रचंड तप। कहते ना भाई फला महात्मा ने, उस ऋषि मुनि ने ऐसी अखंड जप किया, तप किया, साधना की। हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या है, करना है। और करते करते तन मन प्राण इंद्रियां आत्मा जीवन ऐसा पावन हो जाता है पूरी तरह से। अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, और ये प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करते रहे। तो योग से अनेक रोग तो मिटते ही है, ये हमने मिटाए हैं, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस भी हमारे पास है। जो बड़ी बात होती है, बड़ी घटना होती है, वो ये होती है कि योग से हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने व्याधि स्थान संसर्ग प्रमाद आलस्य वृद्धि भ्रांति आत्मनिर्भर शब्द के संदर्भ में मैं आज थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। कपाल भाती करते करते आत्मा माने आत्मा, अपना स्व, अपनी निजता। एक निजता हमारे शरीर से, हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से, चित्त चेतना आत्मा से, अपने स्वरूप से जुड़ी हुई है। और आत्मा माने अपने देश की मिट्टी, अपने देश के संसाधन, अपने देश की प्रतिभाएं, अपने देश में सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य से, अपने देश के सामर्थ्य से, अपने देश की प्रतिभाओं से, अपने देश के संसाधनों से, अपने देश के ऊर्जा से। यहाँ कितने ह्यूमन रिसोर्स है, कितने नेचुरल रिसोर्स है, कितने प्रतिभाएं हैं, यहाँ किस बात की कमी है कि हमें दूसरों की ओर ताकना पड़े। अब दूसरे अर्थ में
पराधीन होकर के, दीनहीन दुखी होकर के, दरिद्र होकर के दूसरों की ओर निहारते रहना कि ये हमें सुखी बना देंगे, समृद्ध बना देंगे, ये विकास के शिखर आरोहण में दे देंगे, ये तो मूर्खता है, ये नादानी। इसलिए आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं की सामर्थ्य को पहचानना। और एक योगी ही आत्मनिर्भर हो सकता है, भोगी क्या हो जाने आत्मनिर्भरता का अर्थ है। वो तो जहां से भोग मिलता उधर ही लुढ़कते रहते, बेपिंदी के लोटे होते। तो भारत योग और कर्मयोग से ही आत्मनिर्भर बनेगा, वह अपने शरीर के सामर्थ्य को जानेगा, अपने मन प्राण आत्मा के सामर्थ्य को जानेगा, अपने इस क्षेत्र के सामर्थ्य को जानेगा, अपने इन खेतों के सामर्थ्य को जानेगा,